हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को लाइन ग्राफ के बारे में बताऊंगा तो हमने हमारी पिछली वीडियो में बार ग्राफ के बारे में पढ़ा था ठीक है तो बार ग्राफ में मैंने आप लोग को एक डेटा लिया था रैंडम डेटा लिया था ठीक है और यहाँ पे मैंने आप लोग को जो बार ग्राफ है प्लॉट करके बताया था ठीक है तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को लाइन चार्ट के बारे में बताऊँगा पर थोड़ा सा एक बार ग्राफ की कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा लेबल्स इक्वल्स टू ए बी सी ये हमारे लेबल्स हैं जो कि एक्स एक्सिस में प्लॉट होंगे और वैल्यूज़ हैं उनकी जो कि वाई एक्सिस में प्लॉट होंगी ठीक है इस तरीके से हमारी जो प्लॉटिंग है वो इस तरीके से दिखेगी अब मैं पे आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे आप लोग को लाइन्स दिख रही हैं यहाँ पे सर्कल्स दिख रहे हैं यहाँ पे स्टार दिख रहे हैं तो हम ये कैसे ला सकते हैं तो देखिए उसके लिए करना कुछ नहीं आप लोग को क्या करना है जो यहाँ पे सबसे पहले मैं नीचे वाले जो पार्ट है उसको कमेंट कर देता हूँ ठीक है इसको मैंने किया कमेंट और इस वाली लाइन को भी कमेंट कर देता हूँ और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे आप लोग को ये दिखाना चाहता हैं इसको अनकमेंट करता हूँ ठीक है तो मैंने किया इसको अनकमेंट और देखिए यहाँ पे बार यहाँ पे मैंने बार्स ठीक है बार्स मैंने यहाँ पे बेसिकली किया क्या कि है सबसे पहले बार्स इक्व टू पी एल टी डॉट बार ठीक है पी एल टी डॉट बार से हम क्या करते हैं हम कोई भी हमारे बार ग्राफ में जो भी हम प्लॉटिंग करना चाहते हैं तो हम बार जो मेथड है प्लॉट के अंदर मेट प्लॉट लेप के अंदर उसको यूज़ करते हैं तो मैंने यहाँ पे बार्स वेरिएबल बनाया ठीक है और मैंने यहाँ पे लिखा पी एल टी डॉट बार और यहाँ पे लेबल्स जो एक्स लेबल्स है हमारे और वैल्यूज जो हमारी वाई लेबल्स है ठीक है ये मैंने यहाँ पे पास किया मतलब पहले हम एक्स वैल्यूज़ पास करेंगे फिर वाई वैल्यूज़ पास करेंगे तो यहाँ पे लेबल्स जो मेरी एक्स वैल्यूज हैं और वैल्यूज़ मेरी वाई वैल्यूज़ जो मेरी वाई, वाई लेबल्स है ठीक है फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा लेबल्स और वैल्यूज़ लेबल पास करने के बाद फिर मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा बार्स ठीक है बार्स और यहाँ पे ज़ीरो बार्स यहाँ पे ज़ीरो सेट हैश सेट हैश मतलब यहाँ पे लाइन सेट करना चाहते हैं यहाँ पे सर्कल सेट करना चाहते हैं यहाँ पे स्टार सेट करना चाहते हैं उसके लिए हम सेट हैश मेथड का यूज़ करते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा बार्स जीरो ठीक है डॉट सेट हैश और यहाँ पे हैश जो मेरा मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ वो है स्ट्रेट लाइन line, सिर्फ लाइन्स दिखनी चाहिए ठीक है सेम ऐसे मैंने बार्स वन तो यहाँ पर लिखा सेट हैश और मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टार तो यहाँ पे क्या होगा स्टार uh, शो होंगे और फिर बार्स टू सेट हैश और मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉट तो यहाँ पर मेरे को डॉट शो होंगे ठीक है तो मैं इसको एक बार करके आ, आप लोग को रन करके दिखाता रहा मैंने किया यहाँ पे इसको रन तो ये मेरे को यहाँ पे एरर दे रहा है पी एल टी नॉट डिफाइंड तो वो बेसिकली इसलिए क्योंकि आ, मेरे को एक बार सारे सेल्स को रन करना पड़ेगा ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ सारे सेल्स को रन करता हूँ ठीक है सारे सेल्स को रन करूँगा तो क्या होगा सारे के सारे सेल्स मैं यहाँ पे सीधे रन टाइम पर जाऊँगा और रन ऑल का पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे सेल्स जो है ये इसको एक साथ रन कर देगा तो ये देखिए जैसे मैंने सारे सेल्स को रन किया यहाँ पे बेसिकली हमको इसको ध्यान देना है तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले में दिया था स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पे जो मेरे को स्ट्रेट लाइन दिख रही है दूसरे में मैंने दिया था स्टार तो मेरे को यहाँ पे स्टार दिख रहा है और तीसरे में मैंने दिया था जो है डॉट ठीक है तो यहाँ पे मेरे को सर्कल्स करके दिख रहे हैं ठीक है इस तरीके से हम जो है हमारे यहाँ पे हैश सेट कर सकते हैं अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो मेरा लेवल्स थे एक्स लेवल्स थे यहाँ पे सिर्फ तीन थे ए बी सी थे लेकिन सपोज अगर मेरे एक्स लेवल्स हैं वो हंड्रेड हैं या बहुत सारे हैं तो हम उसके लिए हर एक लाइन पे बार जीरो बार वन बार टू करके ऐसे सेट कर नहीं सकते तो उसके लिए मैं एक फॉर लूप का यूज़ करूँगा ठीक है तो मैं यहाँ पे इनको कर देता हूँ कमेंट ठीक है लास्ट वाली को भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे कमेंट ठीक है तो ये मैंने इन सबको किया कमेंट और फिर इसके बाद मैं इन सबको अनकमेंट कर देता हूँ ठीक है तो मैंने इन सबको किया अनकमेंट ठीक है तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया पैटर्न इक्वल्स टू यहाँ पे जो मेरे पैटर्न है तो स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे मैंने सर्कल लिया हुआ है ठीक है वो मैंने लिखा हुआ है मतलब सर्कल और यहाँ पे स्टार ठीक है और फिर बार इन बार्स तो जो मेरे बार्स करके जो डेटा था ठीक है मैंने उसको यहाँ पे लिया और यहाँ पे फॉर लूप लगाया और यहाँ पे एक वेरिएबल आप लोगों को पाइथन के फॉर लूप के बारे में तो पता ही होगा फॉर आई इन हम करके करते हैं ठीक है फॉर आई इन और फिर जो भी वेरिएबल है हमारे तो यहाँ पर मैंने बार करके वो वेरिएबल लिया है और यहाँ पे बार जो हमारे पास ऑलरेडी डेटा मौजूद है ठीक है तो ये सारे का सारे क्या होगा एक ही करके बार में आईट्रेड होता जाएगा ठीक है फिर मैंने लिखा बार डॉट सेट हैश और पैटर्नस डॉट पॉप तो जो मेरे पैटर्नस थे एक ही करके पॉप करते आओ तो पैटर्नस डॉट पॉप जीरो तो पैटर्नस डॉट पॉप ज़ीरो करके लिखूंगा तो ये करेगा जो मेरा जो मेरा यहाँ पे कॉलम्स वाइज है एक एक को पॉप करता जाएगा ठीक है अगर मेरे पास सपोज़ यहाँ पे एक और लेबल होता मैं यहाँ पे एक और लेबल ऐड कर देता हूँ मैंने किया डी ओके okay? और मैंने यहाँ पे किया ट्वेंटी मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेवेंटी ठीक है और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा मैं यहाँ पे डॉट ठीक है और मैंने डॉट लिखा और अब मैं इसको करता हूँ रन ठीक है तो यहाँ पे ये यह देखिए यहाँ पे जो मेरे को एक और यहाँ पे डेटा दिखेगा ठीक है और वो कुछ यहाँ पे डॉट करके आएगा तो ये देखिए ये इस तरीके से कुछ यहाँ पे आउटपुट आया हुआ है ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको आउटपुट जो है दिख रहा होगा ठीक है तो ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए लेवल जो है वो कुछ यहाँ पे हमने टेन दिया हुआ था शायद डी जो है वो हमने सेवेंटी दिए हुए थे इस तरीके से ठीक है अब यहाँ पे आप लोग सेम जो है टाइटल दे सकते हो तो आपको यहाँ पे लिखना है सिंपल पी एल टी रोड टाइटल फिर एक्स लेबल्स वाई लेबल्स एक्स टेक्स वाई टेक्स वगैरह सब सेम एज़ इट इज़ है ठीक है जो अब तक हम देखते हैं तो मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा नहीं आप लोग के लिए होमवर्क है एक बार खुद से करके देखिए ठीक है अब देखिए अब यहाँ पर हम लाइन ग्राफ की बात करेंगे तो देखिए लाइन ग्राफ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या मेरे पास कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं ठीक है मेरी जो सिस्टम पे कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं तो रैंडम मैंने कोई भी सी फाइल ली हुई है आप लोग भी कोई भी रैंडम सी फाइल ले सकते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है मैंने सबसे सब पहले क्या किया है मैंने यहाँ पे फ्रॉम गूगल कोलैप फ्रॉम गूगल डॉट कोल ऐप इम्पोर्ट फाइल्स करके एक पैकेज है ठीक है जो कि हमारी जो भी सिस्टम में फाइल्स पड़ी हुई है उनको यहाँ पे इम्पोर्ट करने के लिए उनको यहाँ पे यूज़ करने के लिए काम आता है ठीक है फिर अपलोडेड इक्वल्स टू फाइल्स डॉट अपलोड आप लोग ये लिखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ चूज़ फाइल करके मिलेगा तो आप लोगों को उस पर क्लिक करना है और सीधे जो आपकी फ़ाइल है यहाँ से सिलेक्ट करना है तो सीधे यहाँ पे ऐसा हंड्रेड परसेंट कुछ लिखा आएगा मतलब आप लोग की फाइल जो अपलोड हो चुकी है ठीक है तो यहाँ पे मैंने इन दोनों लाइंस के कोड को लिखने के लिख के मैंने यहाँ पे जो मेरी सिस्टम में फाइल्स पड़ी थी उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है ठीक है फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है गैस इक्वल्स टू पी डी डॉट रीड सी एस वी ठीक है गैस डॉट गैस प्राइसेस डॉट सी एस वी करके जो मेरी फाइल यहाँ पर अपलोड की थी उसको मैं यहाँ पे इसको रीड मैथड की मदद से रीड सी एस वी मैथड की मदद से जो कि पांडास के अंदर है उसको मैं यहाँ पे पांडास को मैंने सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है ठीक है तो मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों ने सारी चीज़ें पहले ही देख चुके हैं यहाँ पे पांडास को मैंने इंपोर्ट किया है नम्पाई को इंपोर्ट किया है और मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ ठीक है तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ हम लाइन चार्ट कैसे बनाते हैं ठीक है बार चार्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया बिल्कुल डिटेल में तो अगर आप मेरी पहली जो वीडियोज़ देखेंगे तो आप लोग को सब समझ में आ जाएगा ठीक है फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने मैंने यहाँ पे क्या किया है मैंने इन दोनों से फाइल्स को अपलोड किया पी डी डॉट रीड सी एस से जो हमारी गैस प्राइसिस डॉट सी करके फाइल है उसको रीड किया है अगर आप गूगल पर लिखेंगे डाउनलोड गैस प्राइसेस सी फाइल तो ईज़िली आप लोगों तो को गूगल पर मिल जाएगी ठीक है कैगल वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगी फिर यहाँ पर मैंने गैस को यहाँ पर प्रिंट किया है तो मैं आप इसको रन करके दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये यह मेरे पास गैस का डेटा है वो कुछ इस तरीके से 18 जो मेरे पास रोस हैं यहाँ पे और कॉलम्स कितने हैं अगर हम गे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन कॉलम्स हैं ठीक है तो एलेवन अलग अलग, अलग कंट्रीज का जो डेटा इसने दिया हुआ है ठीक है यहाँ पे ईयर दिया हुआ है नाइनटीन नाइनटी में ऑस्ट्रेलिया के पास क्या था कैनेडा के पास क्या था ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ के इसने यहाँ पे दिए हुए हैं ठीक है फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा पी एल टी डॉट प्लाट तो यहाँ पे मैंने लिखा गैस डॉट ईयर ठीक है तो मैंने यहाँ पे लिखा पी एल टी डॉट प्लॉट तो हम सिंपल प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं दूंगा एक्स वैल्यूज तो गैस डॉट ईयर तो गैस डॉट ईयर दिया मैंने यहाँ पे ठीक है तो ये ईयर वाला कॉलम है ये मैंने यहाँ पे पास किया है और गैस डॉट यू एस ए तो गैस डॉट यू एस ए कहाँ पर है ये रहा ठीक है तो यहाँ पे यू एस ए वाले कॉलम को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है ठीक है और अब मैं करता हूँ इसको रन तो देखिए आप लोग सिंपल यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है लाइन चार्ट दिखा रहा है कुछ इस तरीके से कि कैसे गैस प्राइसेस टाइम टू टाइम बढ़ रही थे ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पे डेटा दिखा रहा है फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है फिर से गैस डॉट ईयर लिया है और यहाँ पे गैस डॉट यू एस ए और दूसरी लाइन में मैंने पी एल टी रोड प्लॉट गैस डॉट ईयर गैस डॉट कैनेडा अब मैंने यहाँ पे क्या किया है दो अलग अलग कंट्रीज़ के डेटा को मैं एक साथ प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है तो मैंने क्या किया पी एल टी रोड प्लॉट मैथड का यूज़ किया है सबसे पहले मैंने गैस डॉट ईयर और गैस डॉट यू एस ए दिया वाई में और पी एल टी रोड प्लॉट गैस डॉट ईयर गैस डॉट कैनेडा दिया वाई एक्सेस में ठीक है तो यहाँ पे इस तरीके से और पी एल टी रोड शो अब मैं इसको करता हूँ रन तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है ये जो आ, येलो लाइन ऑरेंज लाइन है ये यूएसए को प्लॉट कर रही है ठीक है सॉरी जो ब्लू लाइन है वो यूएसए को प्लॉट कर रही है और जो रेड लाइन है आ, वो प्लॉट कर रही है यहाँ पे रेड नहीं ऑरेंज लाइन है वो कनाडा को प्लॉट कर रही है आप लोग यहाँ पे इसको कलर भी दे सकते हैं तो सिंपल आप लोग को लिखना है सी ओ एल ओ आर ठीक है कलर इक्वल्स टू और यहाँ पे कलर दे देना है सपोज़ मैंने दे दिया है यहाँ पर रेड दे, दे देता हूँ ठीक है और सेम ऐसे मैंने यहाँ पे दिया सी ओ एल ओ आर ठीक है इक्वल्स टू और मैंने यहाँ पे इसको दे दिया, दिया ब्लू और मैंने इसको किया सेफ और अब रन करता हूँ इसको तो ये देखिए यहाँ पे ब्लू और रेड कलर्स ने दे दिया है ठीक है इस तरीके से आप लोग कलर दे सकते हैं फिर यहाँ पे पी एल टी रोड फिगर से आप लोग फिगर जो है इसका चेंज कर सकते हैं मतलब फिगर मतलब उसका साइज़ ठीक है तो एट काम फाइव दिया है एट यानी एक्स एक्सेस के हिसाब से और फाइव यानी वाई एक्सेस के हिसाब से ठीक है फिर मैं जल्दी आप लोग इसको रन करके इसका साइज दिखाऊंगा इससे बढ़ चुका होगा ठीक है फिर देखिए यहाँ पे पी एल टी डॉट प्लॉट गैस डॉट ईयर गैस डॉट यू एस ए और मैंने यहाँ पे जो हमने सबसे पहली वीडियो में पढ़ा था कि हम इसको इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में दे सकते हैं बी डॉट और स्ट्रेट लाइन देते हैं मतलब बी मतलब जो लाइन के कलर होना चाहिए डॉट मतलब जो यहाँ पे डॉट्स होने चाहिए और स्ट्रेट लाइन मतलब जो हमारी लाइन किस फॉर्मेट की होनी चाहिए तो स्ट्रेट लाइन ये मैं आप लोगों को पहली वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ तो एक बार वाली वीडियो जाके देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा फिर लेबल मैंने यहाँ पे दिया है यू ठीक है तो लेबल मैंने यहाँ पे दिया है यू तो मतलब ये जो ब्लू कलर की लाइन है यू को रिप्रेजेंट करेगी फिर सेम ऐसे मैंने नीचे दिया है फिर मैंने यहाँ पे नीचे दिया है गैस डॉट ईयर गैस डॉट कैनेडा ठीक है यहाँ पे रेड ठीक है और डॉट और सेम वही मैंने स्ट्रेट लाइन और लेबल दिया है कनाडा फिर यहाँ पे एक और रियल लिया है मैंने साउथ कोरिया अब आप लोग पूछेंगे कि मैंने साउथ कोरिया को यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिया है क्योंकि इसका कारण ये है कि अगर हम हमारे डेटा को देखें तो यहाँ पे साउथ कोरिया देखें यहाँ पे कुछ इस तरीके से साउथ फिर स्पेस फिर कोरिया तो अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखूँगा ठीक है यू और कैनेडा की फॉर्मेट में मैं, मैं लिखूँगा अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से ठीक है मैंने यहाँ पे किया डॉट और मैं यहाँ पे अब इस तरीके से लिखूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को एरर देगा क्योंकि बीच में स्पेस है और ये स्पेस को पढ़ नहीं पाएगा तो इसलिए मैंने क्या किया है इसको इस फॉर्मेट में लिया है ठीक है जिससे ये ईजीली रीड कर पाए तो मैंने आप लोग को ये नंपा है और जो पांडास की वीडियोस है उसमें पहले ही बताया हुआ था कि हम कोई भी एरे को रीड करना चाहते हैं या कोई भी वेरिएबल को रीड करना चाहते हैं तो हम उसको या तो डॉट मेथड की मदद से कर सकते हैं सॉरी वेरिएबल नहीं मतलब एरे को तो हम डॉट मेथड की मदद से कर सकते हैं या करली स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से ठीक है तो अब मैं करता हूँ उसको रन तो ये देखिए यहाँ पे इसने अलग अलग तरीके से तीन अलग अलग ग्रीन लाइन जो है वो मेरे को साउथ कोरिया को रिप्रेजेंट कर रही है रेड लाइन जो है वो कनाडा को और ब्लू लाइन जो है वो यूएसए को ठीक है और यहाँ पे इसने डॉट्स भी रिप्रेजेंट कर दिए हैं और ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे वही सारी चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं टाइटल देना एक्स लेवल देना वाई देना वाई लेबल देना ठीक है मैंने यहाँ एक्स और वाई लेबल दिए नहीं है क्योंकि ये आप लोग को तो पता ही है ठीक है फिर एक्स टिक्स देना तो एक्स टिक्स में मैंने यहाँ पे दिया है गैस डॉट ईयर कोलन कोलन और थ्री तो मैंने ऐसा इसलिए दिया है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ईयर्स को प्लॉट कर रहा हूँ तो देख सकते हो आप लोग कितना कॉन्ट्रेस्टेड टाइप का आ रहा है मतलब हर एक चीज बिल्कुल चिपकी चिपकी सी लग रही है तो मैंने इसको क्या किया है थोड़ा दूर करने के लिए मैंने ईयर्स को तीन तीन दो दो के स्टेप में लिया है ठीक है तो मैंने मैं यहाँ पे कह दूंगा यहाँ पे कोलन में मतलब कोलन के सबसे पहले मतलब मेरे को सारे रोज चाहिए सारे कॉलम्स चाहिए बस यहाँ पे थ्री के स्टेप में चाहिए तो सॉरी सॉरी सौ मतलब यहाँ पे ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से मतलब स्टार्टिंग वैल्यू ठीक है यहाँ पे एंड वैल्यू तो मेरे को शुरुआत से लेके आखिरी तक की सारी वैल्यूज चाहिए अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो सारी वैल्यू सिर्फ थ्री के स्टेप में तो जो मेरी पहली वैल्यू है पहली वैल्यू मेरी स्टार्ट होती है वन नाइन नाइन जीरो से आखिरी वैल्यू टू जीरो एट से तो आप लोग देख सकते हैं टू टू के स्टेप में इसने लिया है वन नाइन्टी फिर वन नाइन्टी थ्री फिर वन नाइन्टी सिक्स वन नाइन्टी नाइन टू हंड्रेड टू टू हंड्रेड फाइव टू हंड्रेड एट ठीक है इस तरीके से इसने डेटा को दिया है और मैंने यहाँ पे टाइटल दिया हुआ आप लोग यहाँ पे वाई टेक्स भी देकर देख सकते हैं और सारे सारे यहाँ पे वायलेबल और एक्सेबल भी दे सकते हैं ठीक है फिर आप लोग देखेंगे यहाँ पे साइज की बात करें तो साइज यहाँ पे थोड़ा सा छोटा था यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा अब बढ़ गया हल्का सा बढ़ गया ठीक है ठीके? अगर मैं इसी को ट्वेल्व फॉर्मा एट यहाँ पे देता हूँ जैसा कि मैंने पे दिया हुआ है ठीक है तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसका साइज और बड़ा होगा ये देखिए इसका साइज और बड़ा है और मैंने यहाँ पे किया क्या है मैंने यहाँ पे क्या किया इस वाले कॉलम इस वाले, वाले, वाले स्टाइल में मैंने क्या किया है फॉर कंट्री इन गैस ठीक है इफ कंट्री इज नॉट इक्वल्स टू ईयर ठीक है इफ़ कंट्री इज नॉट इक्वल्स टू ईयर मतलब मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि जो कंट्री है ठीक है कंट्री इन गैस मतलब जो मेरा गैस डेटा तो है उसके अंदर जो कंट्री है ठीक है ठीक है तो मैंने यहाँ पे क्या किया है इफ़ फॉर कंट्री इन गैस इफ़ कंट्री इज़ नॉट इक्वल्स टू ईयर ठीक है पी एल टी डॉट प्लॉट गैस डॉट ईयर और फिर गैस यहाँ पे कंट्री मतलब जो मेरा यहाँ पे लेबल लेबल्स आएंगे सारे के सारे कंट्री के नेम्स आएंगे ठीक है मैंने यहाँ पे ये दिया हुआ है ठीक है फिर इसके बाद लेबल्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है लेबल्स और कंट्री तो सारे के सारे कंट्री के नेम्स आएंगे मार्कर मैंने दिया हुआ है डॉट तो मेरे सारे के सारे जो लेबल्स है वो द, यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो डॉट्स रिप्रेजेंट होंगे और यहाँ पे गैस डॉट ईयर दिया है मतलब सारे एक एक करके सारे ईयर को ये यहाँ पे हाइट्रेट करता जाएगा ठीक है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कनाडा फ्रांस जर्मनी इटली अगर आप यहाँ, यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर देंगे यहाँ पे हमारे डेटा में ठीक है यहाँ पे डेटा में यहाँ पे सपोज मैं इंडिया वाला कॉलम भी ऐड कर देता हूँ और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे एक और लाइन ऐड हो जाएगी और वो की इंडिया की इंडिया के हिसाब से ठीक है और मैंने यहाँ पे गैस डॉट कंट्री और यहाँ पे कलर कलर मैंने यहाँ पे कह दिया है गैस डॉट कंट्री ठीक है तो यहाँ पे कलर इसने कैसे लिया है कलर इसने मेरे ख्याल से रैंडमली सेलेक्ट कर लिया ठीक है थीके? तो इस तरीके से आप लोग इसको आ, दे सकते हैं ठीक है थीके? फिर यहाँ पे पी एल टी डॉट लैजेंड और आखिर में पी एल टी डॉट शो तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इन सब को शो करा सकते हैं ठीक है तो ये था हमारा जो है लाइन ग्राफ के बारे में ठीक है तो ये था हमारा लाइन ग्राफ के बारे में और अगली वीडियो में मैं आप लोग को लाइन ग्राफ के बारे में थोड़ा सा और बताऊँगा और फिर हम बात करेंगे पाई चार्ट के बारे में ठीक है तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर ऐपअप करता हूँ और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके दोस्तों के भी शेयर करना क्योंकि अगर आप लोग शेयर करेंगे तो ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और जितना ज़्यादा आप वीडियोस को लाइक करेंगे तो मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और ऐसी वीडियोस ला पाऊँगा ठीक है तो मिलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो में टिल देन बाय